गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड डू योर वर्क प्रॉपरली। देखिए बेटा, मैथ्स में आपकी एक्सरसाइज 3 चल रही है और इसमें आपने प्लेस वैल्यू कर लिया है बेटा, ठीक है, फेस वैल्यू कर लिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म आपका हो चुका है और एक्सपेंडेड से शॉर्ट फॉर्म हो चुकी है और आपको ये अच्छी तरह से बेटा समझ में आ भी गए होंगे कि इन सवालों को हम कैसे करते हैं, कैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं, कैसे फेस वैल्यू निकालते हैं, कैसे हम किसी भी न्यूमरल को एक्सपेंड करके लिखते हैं और कैसे एक्सपेंडेड से हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, टुडे वी विल डू सक्सेसर एंड प्रेडिसर, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, सक्सेसर क्या होता है और प्रेडिसर क्या होता है। इसके अंदर देखिए बेटा, सक्सेसर बेटा आपने इससे पहले जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर पढ़ा होगा, ठीक है। हम लेकर चलते हैं बेटा, देखिए सक्सेसर, और यहां प्रेडिसर, ठीक है बेटा। आपने इससे पहले जो क्लास है ना, उसके अंदर जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर पढ़ा होगा। तो बेटा जस्ट बिफोर जो नंबर होता है ना, वो हमारा प्रेडिसर होता है और जो जस्ट आफ्टर जो आता है ना, वो हमारा सक्सेसर होता है, ठीक है। तो बेटा जब भी सक्सेसर कौन सा नंबर होता है बेटा, जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद जो नंबर आता है ना, वो हमारा सक्सेसर होता है। और जस्ट बिफोर, किसी भी नंबर से तुरंत पहले जो नंबर आता है, वो हमारा प्रेडिसर होता है, ठीक है। अब बेटा छोटे नंबर्स होते हैं ना, उनमें तो आपके लिए आसान होता है ये बताना, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा जाए 9 का सक्सेसर बताए, तो 9 के जस्ट आफ्टर क्या आता है, 10, तो 9 का क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। 25 का पूछे तो आप लिख दोगे 26, क्योंकि तुरंत बाद आ रहा है। 100 का पूछे तो आप लिख दोगे 101, इस तरह से बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए ऐसे ही बेटा प्रेडिसर में जस्ट बिफोर अगर 9 से तुरंत पहले पूछे तो आता है 8, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर 10 से तुरंत पहले पूछे तो आप लिख दोगे 9, ये आपका आंसर आ गया। अगर 100 से पहले पूछे तो आप लिख दोगे 99, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से बेटा आप छोटे न्यूमरल्स का तो सक्सेसर एंड प्रेडिसर आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपके पास में कोई बड़ा न्यूमरल हो, तब आप कैसे निकालेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा जब भी सक्सेसर निकालते हैं, तो किसी भी न्यूमरल का सक्सेसर निकालने के लिए आपको उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो सक्सेसर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप उस दिए हुए न्यूमरल में 1 ऐड करेंगे, और प्रेडिसर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, -1 करेंगे, 1 सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। आप देखिए, अब मान लीजिए आपके पास में कोई न्यूमरल है, जैसे कि आपको दे दिया जाए 2490, आपको बताना है इसका सक्सेसर क्या है। और सक्सेसर में अभी बताया मैंने कि कोई भी बड़ा है उसका सक्सेसर निकालेंगे तो जस्ट आफ्टर पूछना है, ठीक है। और जस्ट आफ्टर अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, आप 1 ऐड कर दोगे। सक्सेसर है, आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया, सक्सेसर पूछा गया, आप +1 करके लिख देंगे, और ये हमारा 1942, अब ये आ गया बेटा आपका सक्सेसर, +1 कर दिया आपने, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक और सवाल है आपके पास है, 9999 है, इसका आपको सक्सेसर निकालना है, पता नहीं चल रहा था, आप क्या करोगे, +1 कर दोगे, ठीक है। 9 में 1 ऐड किया, 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, फिर 1 कैरी, 9 और 1 10, फिर 1 कैरी और 9 और 1 10, और 9999 का सक्सेसर क्या हो गया, 10,000, जो कि एक 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गई है, ठीक है बेटा।
आप देखिए बेटा, हम करते हैं प्रेडिसर। इसके अंदर क्या करना है बेटा, जैसे पहला ही सवाल है और मैंने आपको बताया इसमें जस्ट बिफोर जो नंबर आता है ना वो लिखना होता है। अब आपको इसमें पता नहीं चल रहा है कि जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आएगा, तो आप क्या करोगे, प्रेडिसर के लिए आप इसमें से माइनस वन कर दोगे। ठीक है, आप देखिए, अब जीरो में से वन जा नहीं सकता है, तो जीरो नाइन से क्या करेगा, बोरो ले लेगा, और ये यहाँ से जब बोरो लेगा ना तो यहाँ पर एट बन जाएंगे और यहाँ पर टेन हो जाएंगे, और टेन में से वन गई नाइन, एट फोर और टू। ठीक है, ये आ गया हमारा 2489 जो कि 2490 का प्रेडिसर है। ठीक है, ऐसे ही जैसे देखिए सेकंड है आपका 9999, इसका आपको निकालना है तो माइनस वन करेंगे, नाइन में से बन गया एट, फिर नाइन और यहाँ पर नाइन, और ये हो गया आपका इसका प्रेडिसर 9998। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ से क्या पता चला बेटा, आपको ये पॉइंट बेटा आपकी नोटबुक में नोट भी कर लेना है कि सक्सेसर निकालने के लिए हमें प्लस वन करना होता है और प्रेडिसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, माइनस वन कर देना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। अब हम करते हैं बेटा सवाल सोल्व। एक्सरसाइज हमारी थ्री चल रही है और थ्री में बेटा हमें क्या करना है, देखिए हमारा सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर है बेटा हमारा 17। 17 में पूछा है बेटा राइट द सक्सेसर। ध्यान से देखना बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट द सक्सेसर। ठीक है, और किसका, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर जो आपको दिए हुए हैं, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, ये है बेटा। अब बेटा आप इस रकम को ध्यान से पढ़िए, पहले दे रखा है इसको ध्यान से पढ़िए इसमें क्या पूछा है। देखिए राइट द सक्सेसर क्या, कि आपको जो फॉलोइंग में नीचे जो नीचे नंबर्स दिए ना इनका सक्सेसर निकालना है। और बेटा अभी मैंने बताया था कि सक्सेसर जब हम निकालते हैं, यहाँ लिखा है सक्सेसर, और जब ये हम निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, नंबर में प्लस वन कर देना है। ठीक है, तो जो भी नंबर्स दिए हुए बेटा नीचे उनमें हमें प्लस वन करके उसका आंसर निकाल देना है। जैसे फर्स्ट है, ए पार्ट है बेटा 568, इसका सक्सेसर निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, इसमें हम प्लस वन कर देंगे। ठीक है, हमने वन ऐड कर दिया तो ये बन गया 9, 6 और 5, और इसका सक्सेसर क्या हो गया, 569। ऐसे ही बेटा बी पार्ट है 999, इसका सक्सेसर क्या होगा, आप इसमें वन ऐड कर दोगे। आपने देखा बेटा ये 999 जो है ना, ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, और जब हमने इसमें ऐड किया वन तो ये बन गया हमारा 1000 जो कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक और बात पता चली आपको कि जब भी हम किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर जो लार्जेस्ट होता है ना उसके अंदर अगर हम वन ऐड करते हैं तो वो नेक्स्ट डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा देखिए 1269, आप इसमें जब वन ऐड करेंगे सक्सेसर के लिए तो ये हमारा 9, 1, 10, 6 और 1, 7 और 2 और 1, ये बन गया बेटा 1270। ऐसे ही बेटा हमारे आगे हैं 2631, आपने प्लस वन किया तो ये बन गया 2632। ठीक है, ई पार्ट देखिए बेटा
ई में है 1099। आप इनको बोल बोल कर करेंगे बेटा, ठीक है? आपको ये बोलना भी आ जाएगा क्या है। आपने इसमें वन ऐड किया तो 9 और 1 10 9 और 1 10 1 और 1, और ये बन गया बेटा 1100। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, देखिए 5109। आप इसमें 1 ऐड कर दीजिए बेटा, और जब मैंने ऐड किया तो 9 और 1 10 1 कैरी, और ये यहाँ पर 0 में 1 ऐड किया 1 1 और 5, और ये बन गया बेटा 5110। ये इसका सक्सेसर बन गया बेटा। ऐसे ही बेटा हम जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी कर देंगे। सक्सेसर निकालने के लिए क्या करोगे आप, ऐड करते जाओगे 1 1, ठीक है? तो ये ध्यान क्या रखना है आपको बेटा कि सक्सेसर में हमेशा ही 1 ऐड किया जाता है, चाहे फिर कितना भी बड़ा नंबर हो बेटा, आपके लिए सक्सेसर निकालना आसान हो जाता है, ठीक है? आगे देखिए बेटा, जैसे कि आपको दे रखा है जी पार्ट 6799 सक्सेसर निकालना है, 1 ऐड करके लिख दोगे। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट है 8889, इसमें भी सक्सेसर निकालना है, 1 ऐड कर दिया आपने, ठीक है? फिर है बेटा 7000 है, इसका सक्सेसर निकाला, 1 ऐड कर दिया आपने। ऐसे ही 9099 है, 9099, इसमें भी आपने 1 ऐड करके इसका सक्सेसर निकाल दिया, ठीक है? और इस तरह से आप इन सभी सवालों को, सक्सेसर वालों को सॉल्व कर लोगे। अब है बेटा नेक्स्ट हमारा 18, जिसमें कि आपको प्रेडिसर निकालना है, ठीक है? आप देखिए प्रेडिसर कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा, राइट द प्रेडिसर 18 है, राइट द प्रेडिसर ठीक है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें क्या करना है बेटा, आप देखिए ध्यान से ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है प्रेडिसर, और प्रेडिसर का मीन्स जो जस्ट बिफोर नंबर आता है ना वो लिखना है, और जस्ट बिफोर निकालने के लिए, प्रेडिसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, -1। तो जब भी आपसे प्रेडिसर पूछा जाए तो आप क्या करोगे, नंबर जो दिया हुआ होता है ना उसमें से 1 सबट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है? अब जैसे आपको दे रखा है, नंबर है आपके पास में 700, ए पार्ट है आपके पास 700 है बेटा, आपको निकालना है प्रेडिसर मींस -1 करना है, आपने -1 किया। आप देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा, ये यहाँ जाएगा फिर ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, इसने इसको दे दिया, यहाँ 9 और यहाँ पर 10, 10 में से बन गए 9 9 और 6 बेटा, ठीक है? और आंसर क्या आ गया आपका 699, ये हो गया बेटा 700 का प्रेडिसर, ठीक है? ऐसे ही बेटा नेक्स्ट है 867, इसमें से आपने -1 किया तो 7 में से बन गया 6 6 और 8, और 866 आ गया बेटा। अब है नेक्स्ट बेटा सी 1000, इसमें से -1 करेंगे तो 10 में से बन गए 9 9 9 और 0,
इस तरह से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 999। नेक्स्ट है बेटा डी, देखिए 2200। इसमें से माइनस वन किया तो आपका आ गया 10 में से वन गए 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, और ये बन गया बेटा 2199। सेम ऐसे ही बेटा हम क्या करते जाएंगे, प्रेडिसर निकालने के लिए हम माइनस वन करते जाएंगे, ठीक है। 10 में से बन गए 9 और यहाँ पर बेटा देखिए यहाँ पर इसने इसको दे दिया तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, यहाँ पर 0 बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5, और ये बन गया बेटा 5309। नेक्स्ट है बेटा देखिए एफ, 4080 ये है, ठीक है। इसका आपको प्रेडिसर निकालना है, माइनस वन कर देना है, यहाँ पर 7 हो जाएंगे, यहाँ पर 10, क्योंकि 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 0 बोरो लेगा। 10 में से 1 गए 9, 7, 0 और 4, और ये हो गया बेटा 4079, ठीक है, 4079 बेटा। इस तरह से बेटा हमने ये एफ तक पार्ट किए हैं। हम आगे करते हैं, देखिए जी पार्ट। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे बेटा। देखिए जी पार्ट है हमारा 4400। इसमें से माइनस वन, 10 में से बन गए 9, यहाँ 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 बेटा। देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा, इसमें से भी बेटा ये यहाँ से बोरो ले लेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, फिर ये बोरो यहाँ देगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 और फिर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एच देखिए बेटा, एच है 8000 है, इसमें से माइनस वन कर दोगे तो यहाँ पर 10 में से बन गए 9, यहाँ पर 7, यहाँ 10 में से 9 और यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे, फिर 9 बच जाएगा, यहाँ 10, अब यहाँ पर 9, 9, 9, 7 और आ गया बेटा आपका 7999, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा आई 7520। इसमें से माइनस वन किया तो 10 में से वन गए 9, 1, 5, 7 और आ गया आपका 7519। ऐसे ही बेटा देखिए जे पार्ट है, वो है 9610। माइनस वन किया, 10 में से वन गए 9, यहाँ पर बेटा 0, ठीक है, यहाँ पर 6 बेटा और यहाँ पर 9 और आंसर आ गया क्या आपका 9609। और इस तरह से बेटा हमने प्रेडिसर के सवालों को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे बेटा कि सक्सेसर कैसे निकालते हैं और प्रेडिसर कैसे निकालते हैं। जब भी सक्सेसर निकालेंगे हमें प्लस वन करना होगा और जब प्रेडिसर निकालेंगे तो हमें माइनस वन करना होगा, ठीक है बेटा। आपको ये ध्यान में रखना है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने सवाल सॉल्व करने हैं बेटा, ठीक है। थैंक्स बेटा।